एक लड़का मुंबई में पैदा होता है, वहां की दुनिया देख के उसे एक सपना दिखता है। सपना एक्टिंग करने का, मॉडलिंग करने का, इस पूरी दुनिया पे छा जाने का, लोगों के दिलों पे राज करने का। और उस सपने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। वो स्टार्टिंग करता है ऐसे शोज से, जितने छोटे मोटे रोल उसको मिले वो करता गया, और एक दिन अपनी मेहनत से वो टीवी का सबसे बड़ा सितारा बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की। 2008 में उन्होंने टीवी सीरियल बाबुल आंगन का ना छूटे इस शो से उन्होंने डेब्यू किया। लेकिन 2013 का एक शो उनके करियर का सबसे बड़ा शो था, और उस शो में सिद्धार्थ शुक्ला की एक्टिंग लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो टीवी के सबसे बड़े स्टार बन गए। रियलिटी शो झलक दिखलाजा से उनको मौका मिला बॉलीवुड में डेब्यू करने का। उन्होंने डेब्यू किया हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से, और इस मूवी के लिए उनको अवार्ड भी मिला। इस मूवी में उनकी एक्टिंग जो थी वो इतनी शानदार थी कि वरुण धवन की एक्टिंग भी उनके सामने फीकी लगी। और 2018 में बिग बॉस शो जीतकर उन्होंने साबित किया कि वो टीवी के सबसे बड़े एंटरटेनर हैं। और इतनी बड़ी सफलताओं के बाद सिर्फ 40 साल की उम्र में ये एक्टर दुनिया को अलविदा कर गया। और सुशांत सिंह की तरह सिद्धार्थ शुक्ला की भी विदाई लोगों के लिए एक शोक बन गई। पर यह सच है, वो कहते हैं ना कि एक कलाकार कभी नहीं मरता, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। ये वीडियो हमारी तरफ से सिद्धार्थ शुक्ला के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट था। आप भी अपनी राय रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में इस कमाल के एक्टर के बारे में। एंड वी ऑलवेज लव यू सिद्धार्थ शुक्ला।